हम थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लें। आप इसकी एक टेस्ट फ्लाइट करना चाह रहे थे जिसकी इतला आपने किसी को नहीं दी। माही आपका महबूब है और आप उसके साथ एक उड़ान लेने वाले थे। किसी ने जारी बात वो खपशप पड़ गई जिस जगह आप थे, वो खुली सड़क है उस जगह पे, वहां से किसी ने इतला दे दी कि भाई जी एक बंदा है। आपको एक बात बताता हूँ मजे की बात। इससे पहले मैंने एक मॉडल तैयार किया था इसका, वो जो जिस मैंने आपका इंटरव्यू में सुना था मोटर जिसकी जो है वो आपने आपके रिवाइज। हाँ वो मैंने इसको लिया तैयार किया। ये जिस रोड पे आप आए हैं जी, काफी रश वाला रोड है, ये आरफ वाला रोड, आरफ वाला रोड जी। यहाँ से कच्चा रास्ता जाता है उधर को शॉर्टकट, ठीक। को 8-10 दोस्त थे, हम सब लोग लिया वहाँ पे गए, इसको जाके साइड पे खड़ा के संभल किया। माही वन जो है, हाँ माही वन, ठीक है। उसको जाके मेन रोड पे लेके मैं चला गया, ठीक। वहाँ पे जाके जब देखा तो तीन दोस्त उधर जाके खड़े हो गए, 2 किलोमीटर जाके दोस्त आगे खड़े हो गए। हमने ये मेन रोड ब्लॉक कर दिया। अच्छा जी। जब इसको रोड पे लेके गया तो जो गाड़ी वाले एक दो थे वो हजरात भी, वो भी गाड़ियां लगा खड़े हो गए, नहीं भी अभी इस बच्चे को ये करने दो। मैंने सर आधा घंटा रोड वो बंद किया, ये मेन रोड बंद किया। पुलिस के डाले भी 2 दिन गुजरे, उस सेल्फियाँ लीं और वो गए। तो फिर उसके बाद मैं इसको मैंने चलाया, ये ज़मीन से 2-3 फुट ऊपर उठा भी, उठा भी, लेकिन इंजन छोटा होने की वजह से पावर नहीं दे रहा था। मैंने उसको फिर लिया और वापस घर लेके आया। ये आपको उसी वक्त पता लग गया था कि वो मजबूत इसको चाहिए। हाँ, इसको ये और उसका कुछ चीज़ें इस तरह की हैं, थोड़ी और तब्दील कर दो ओके हो जाएगा। तो घर लेके आ गया इसको। मैंने सर बेसिकली 23 मार्च वाले दिन उड़ाना था। सही, आपका टारगेट था यौमे पाकिस्तान पे। इस बार 2019 में जब पहली बार वजीर आजम इमरान खान उसमें और सदर आरिफ अलवी हैं, उस दिन आप चाहते थे कि ये उड़े। तो मैं इसका परचम भी लेके आया था, मैंने इसके यहाँ पे फ्रंट पे परचम लगाना था यहाँ पे ऐसे। अच्छा, तो मैं कि वो जब उड़े तो झंडा नजर भी आया, झंडा नजर मेरा पाकिस्तान का। मैं 22 मार्च को गया था डीपीओ ऑफिस, डीसीओ ऑफिस, शिकायत ब्रांच, सिक्योरिटी ब्रांच और आईबी 5। अपना असल शनाख्ती कार्ड भी ले गया, साथ वीडियो भी ले गया इसकी मुकम्मल की। तो मैंने जाकर उनको दिखाया, वो पहले तो बड़े लुत्फ़अंदोज़ होते रहे जी। मैंने कहा सर मैंने ये लुत्फ़अंदोज़, ठीक है। मैं 23 मार्च को मैंने उड़ाना है तो सर मैं आपको बताने के लिए, मुझे कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ना सर इतला दे रहा सर ये बात है ताकि आपके नॉलेज में हो, या इस बंदे ने छुप के कोई काम नहीं किया, ऐसा काम नहीं किया। तो जब वो उन्होंने कहा ठीक है जी अभी तो नहीं हो सकता, आप 2 दिन ठहर के हैं अभी, चलो जी ठीक है अल्लाह माला खैर कोई बात नहीं। मैं 2 दिन ठहर के फिर चला गया। उन्होंने कहा ये भी हमारी अफसर ने बारे से बात नहीं हुई जी, फिर दोबारा बात हो गई था, फिर दोबारा आए। मैंने कहा ठीक है जी। वो 3 दिन गुजरे, मैं फिर चला गया, फिर वो अपने असली रूप में आए। यार तो की से रिपीट बन गए, बार बार तंग करी जा रहे हैं। वो उनका ये बड़ा लंबा चौड़ा खर्चा है जी, 15-20 लाख लगेगा, ला लेगा तू। मैं कहा सर मेरे को तो 15-20 जेब रुपये नहीं है। नहीं तो 15-20 लाख किस चीज़ से लग रहे हैं सर? सर पता है माइंड है जी, ये सिविल एविएशन अथॉरिटी का मामला जी, आपने कभी एविएशन का कोई नाम सुना था या आपको पता था कि ऐसा कोई हवाई इदारा होता है जिससे कोई इजाजत लेनी होती है या नहीं? सुना था कि वो होता है, लेकिन वो कौन है, क्या, कहाँ पे, ये बिल्कुल मालूम था, किसी ने बताया भी नहीं था। उनके पास क्या था, वो चाहिए तो बताते भाई ये दफ्तर है, ये आसान तरीका, आप एक एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं, ये उनका टोल फ्री नंबर है, या कुछ भी ऐसा जो मुझे जराए बताते कि वहाँ तक तुम पहुँच सकते हो, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं ऐसा कहा। वो अपने बस थी, वो बात थी, उन्होंने वो की। मैं वापस आ गया घर, तो मैंने खादम को कहा यार, मैंने कहा यार ये बात उन्होंने की है, अब मैं कहा यार हूँ जो होगी वेखी जाओगी, इन हूँ सवेरे लै के जाना, यह तय हो गया, यह तय हो गया। अच्छा हूँ तुम पहले इन खोलना सी, फिर उत्थे जाके असेंबल करना सी, छोटा सा, हाँ ऐसा ही है ये सर, एक नट यहाँ पे, ठीक है जी, एक यहाँ पे, एक वहाँ पे, एक वहाँ पे, ये ठीक है जी, इसको खोल दो, एक विंग उतर गया, एक विंग उतर गया, दूसरा ऐसे चार वहाँ पे, वो विंग उतर गया, इकट्ठा हो गया। आप इसको गली से, इसी गली से मैं लेके आया, ऐसे ही आप लेके वो वहाँ पे लेके चले गए, वहाँ पे हमने जाके इसको लगा दिया, संभल कर लिया, मुकम्मल कर लिया, ठीक है। अब सेल्फ स्टार्ट का मामला रहता था, तो पीछे से उनका एक रजाकार आया। अच्छा जी, पुलिस नहीं था वो, एक रजाकार था, पुलिस वाले तो बाद में आए, तो उसने आके पीछे यूँ बैठा हुआ था, उसने पीछे आके मुझे मारा और यहाँ से पकड़ लिया गर्दन पे, हाँ यहाँ पे, यहाँ पे मारा, यहाँ से पकड़ लिया बाहर, तू की तमाशा बनाया, सारी दुनिया तो पीछे लाई फिरता है,
तो यूँ की थी वरदा फलान गाला कम शुरू हो गया। मैंने कहा यार, मैंने कहा सर एक तो आप मुझे गाली ना दे, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, एक या पीछे से नहीं पकड़े, मेरा हाथ पकड़े, मैं कहीं भी नहीं जा रहा क्योंकि मेरा जहाज यहाँ पे खड़ा है, मेरी मेहनत की कमाई है, मैं उसको छोड़ कर नहीं जाने वाला, आप मुझे बस एक तो गाली ना दें, दूसरा यहाँ से पकड़ लें। फिर वही गाली गलोच, फिर वही कहा, मैंने उसको तीन चार दफा कहा। मैंने एक बंदे को कहा यार मुझे पानी ला कर दो, शायद वो बात किसके पास रिकॉर्ड भी हो। तो बेचारा एक बंदा पानी लेके आया, उसने गिलास को हाथ मारा, गिलास मीने पे गिरा दिया, उस बंदे को भी गाली दी। मैंने फिर उससे ये कहा, अभी मैंने कहा जो होना वो तो बात की बात है। तो बेसिक मैं वो थोड़ा सा कुछ और हो रहा था कि मैं अभी इसके साथ कुछ करता हूँ यार, इसने क्या, मैं कह रहा हूँ गाली नहीं दो। मैंने कहा यार वो पानी लेकर तो उन्हें उसे गाली क्यों दी, वो पानी मेरे लिए लेके आया था, पानी में कुछ था। फिर वो यूँ झटके और सब कुछ, ऊपर से वो SHO साहब आ गए, तो उनकी क्या दबंग एंट्री थी जी, गाड़ी पे आए, सबको गाली शालियाँ दे के पीछे कर दिया, मुझे भी शुरू हो गया, बताओ ये तूने कैसे किया। मैं बताने लगा हूँ, फिर गाली, फिर खामोश, तू बताता क्यों नहीं है। मैं कह सर जब मैं बात करूँ तो आप मुझे गाली निकाल देते, मैं आपको क्या बताऊँ। खैर वो पकड़ लिया मुझे, लेके थाने चले गए, वहाँ पे जाके बंद कर दिया। तो रस्ते में बहुत कुछ करते गए, फिर FIR काट दी, उसमें वो जो उनके मुंशी साहिबान थे वो आते थे, तो वो कहते थे बड़ा लम्बा चौड़ा गया तो छड़ दे, बड़ी तगड़ी FIR, चलो जी अल्लाह माला जी। एक चला, दूसरा आके कह देता यार तेरे पर एजेंसियाँ हैं, यहाँ छूटा भी तो एजेंसियों का हाथ, फिर गया अल्लाह माला। सारा काम होता रहा, करता रहा। मेरे पास रात को वो आए थे रिपोर्टर थे गालबन आरिफ वाला कहते, वो जल्दी से थाने उनको रिपोर्ट इतला मिली। जब वहाँ पहुँचे तो कुछ दोस्त अहबाब काफ़ी सारे थे, बाद में उन्होंने बताया, शक्लें देखी मैंने उनकी, तो वो सारे इकट्ठे हो गए, यकदम पे आ गए। तो जब वो आए तो इंटरव्यू लेने लगे, तो मैंने उन्होंने कहा, मैं सर मेरी गुजारिश है। कहते क्या? मैंने कहा यार मैंने जुर्म किया है, आप प्लीज़ मेरी तस्वीर नहीं बनाए, मेरी वीडियो नहीं बनाए। कहता यार भाई तूने जुर्म नहीं किया। मैंने कहा यार मैंने जुर्म किया, ये देख हाथकड़ी किस लिए है, मुजरिम के लिए होती है। हाँ हाथकड़ी लगी थी मुझे, वीडियो मौजूद है। तो मैंने कहा यार मैंने जुर्म किया, ये किस लिए लगी है। कहता यार ये इनका मामला है, आप बस इंटरव्यू कुछ देना चाहेंगे। मैंने कहा यार मैं कुछ भी नहीं देना चाहता, कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने कहा यार प्लीज़ तुम एक दफ़ा इंटरव्यू देख के तो देखो यार, हम आपके साथ हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, आप इंटरव्यू दो। मैंने कहा ठीक है जी। कुछ सवाल उन्होंने पूछे, मैंने बताया। रात को सुबह वहाँ पे गया तो जो जज साहब थे उनकी बहुत मेहरबानी, उन्होंने मेरे से खैर अच्छा मेरे साथ बिहेव किया। पुलिस वालों को कहा यार तुम लोगों ने गलत किया इसके हाथ में हथकड़ी लगा के, इसने कौन सा ऐसा जुर्म कर दिया था। ख़ास तौर पे जो वहाँ पे वकला हजरात थे मैं उनका बहुत मशहूर हूँ, तो सारे मेरे पास आए, काफ़ी ज़्यादा तादाद में थे आपकी सपोर्ट में। कहते यार वेल्डन, यार वेल्डन, हम आपका केस लड़ेंगे, अगर हमें हाई कोर्ट तक जाना पाओ हम फ्री जाएंगे और सभी ये जाएंगे। मैंने कहा सर आपकी मेहरबानी, वरना मैं तो कहता नहीं नहीं यार तूने गलत काम नहीं किया, ये बात भी सुन ले, ना तूने जुर्म किया ना तूने गलत काम किया, या तू तक बड़ा अच्छा हीरो बंदा है। मैंने कहा सर हीरो के साथ ये काम तो नहीं होता। कहता यार दिल छोटा ना कर, अदालत में ले गए तो वो जज साहब थे, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा मुझे रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने कहा ये भी दो सूरतें हैं, यहाँ तो 6 माह कैद है जो आपके ऊपर दफात लगी हैं, तो या फिर वो आप जुर्माना अदा करेंगे। जुर्माना हो गया ये 3,000 रुपये जुर्माना हो गया। खादम मेरे साथ था, मैंने कहा यार अभी, कहता यार टेंशन है पैसे में ले आऊँगा। ये गया ये 3,000 रुपये जुर्माना लेके आया। कुछ दोस्त और थे वहाँ से रंगशा के, उन्होंने वो जमानत के लिए अपनी वो निकाली, वो फर्दे वगैरह ले गए थे, वो जमा कराई। तो शाम को 5 बजे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है केस भी ख़त्म हो गया, रिहाई मिल गई, मुझे घर आ